हेलो गाइस, रेडमी 9A इंडिया में हो गया है आज लॉन्च। और गाइस, इस फ़ोन का प्राइस रखा गया है, दो वेरिएंट में गाइस ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, जहां पे इसकी प्राइसिंग रखी गई है गाइस 6,799 रुपये, और एक वेरिएंट की प्राइसिंग है 7,499 रुपये। गाइस, 2 GB और 32 GB वाला वेरिएंट 6,799 रुपये में आपको देखने को मिलेगा रेडमी 9A, और वहीं 3 GB और 32 GB इंटरनल मेमोरी वाला डिवाइस आपको 7,499 रुपये में मिलने वाला है। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गाइस इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको मिलेगा 6.53 इंच का डिस्प्ले गाइस, जो कि एक HD+ डिस्प्ले है। और प्रोसेसर की बात करें गाइस, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा MediaTek का हीलियो G25 प्रोसेसर। गाइस, ये बिल्कुल भी एंट्री लेवल का चिपसेट है, बिल्कुल भी गेमिंग वगैरह के लिए नहीं है। जहाँ पे जो हार्डकोर गेमर है गाइस, पबजी वाले, उनके लिए ये फ़ोन नहीं है। पर हाँ गाइस, पर आप वैसे गाइस पबजी हो गया है बैन और आपको खेलना पड़ेगा पबजी लाइट। पबजी मोबाइल का अब इंडिया में कोई रोल नहीं है, इसमें पबजी लाइट ये सब खेल सकते हैं और नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं, बाकी पबजी के लिए ये फ़ोन नहीं है। जहाँ पे आपको लैग वगैरह देखने को मिलेंगे अगर आप इसमें पबजी खेलने की ट्राई करते हैं तो। और बात करते हैं इस आगे बढ़ते हुए इस फ़ोन की कैमरा की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा रियर कैमरा में 13 MP का सिंगल कैमरा विथ फ्लैश। डिज़ाइन वाइज ऐसा लगता है इस फ़ोन की ये डुअल कैमरा है, जैसे कि रेडमी का नोट 5 प्रो आया था एक टाइम पे, जो आईफोन 10 का जो कॉपी था, उस टाइप का ये डिज़ाइन दिया गया है। ऐसा दूर से तो ऐसा ही लगता है, जैसे कि रेडमी 9 जो अभी आया था गाइस, उस पर ऐसा लग रहा था 4 कैमरा है, पर उसमें सिर्फ 2 ही कैमरा है। और इसमें भी ऐसा ही कुछ है गाइस, लगता 2 कैमरा है पर इसमें सिर्फ सिंगल 13 MP का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलता है, कोई भी पंच होल नहीं है इसमें। रैम मैनेजमेंट की बात करें गाइस, तो मैंने आपको बताया कि 2 GB RAM और 3 GB वेरिएंट वाले रैम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। स्टोरेज की बात करें गाइस, तो सिंगल स्टोरेज है गाइस, 32 GB 64 GB अवेलेबल नहीं है। बैटरी की बात करें गाइस, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि एक इसका हाइलाइटिंग फीचर है गाइस। और डिज़ाइन और लुक की बात करें गाइस, तो ये थोड़ा सा 3D कोटिंग वाला डिवाइस है गाइस, जो थोड़ा सा स्क्रैच कम देखने को मिलेगा और फीलिंग थोड़ी सी अच्छी आएगी। और प्लास्टिक बॉडी है गाइस, और कोई भी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है फ्रंट में। और वहीं अगर कंपेयर करें गाइस कि रेडमी 8A जो आया था, उसमें आपको टाइप सी भी देखने को मिलता था, पर इसमें टाइप सी नहीं है, उसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता था। उसमें 2 कैमरा थे रियर में गाइस, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात कर देगा इस MIUI 12, इस पर आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें गाइस, तो ऑब्वियसली इसमें एंड्रॉयड 10 आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करेगा इस, तो 720x1600 pixels आपको देखने को मिलेंगे। तो बस गाइस, इस फ़ोन में इतना ही था। और कलर्स की बात करेगा इस, तो 3 कलर में आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। तो यही है गाइस रेडमी 9A की खासियत। और वहीं जैसे गाइस रेडमी 9 आया था, और जिसमें आपको TUF की रेटिंग आपको देखने को मिल रही थी, जो स्क्रीन वगैरह है जो इसके अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, और 194 ग्राम्स का ये 4G डिवाइस है गाइस, जहां आपको 4G का सपोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक तो आपको देखने को मिलेगा ही। वहीं गाइस ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप 2 SIM एक साथ और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और 512 GB तक मेमोरी कार्ड लगा के आप इसके मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ सिर्फ ये फ़ोन आता है, और 3 GB और 2 GB रैम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगेन गाइस, मैं इसकी प्राइस आपको बता देता हूँ, 6,799 रुपये का एक 2 GB वाला वेरिएंट और एक 7,499 रुपये वाला एक वेरिएंट। तो बस गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।